नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति स्ट्रीम में। आज हम कथा श्रवण करेंगे माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा हैं। उनका नाम चंद्रघंटा है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारक है। इनके मस्तक में घंट के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती हैं। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुणों की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करने लगते हैं। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा जाकर देवता गणों के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें शस्त्र प्रदान किया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में माता के कोप से नष्ट हो गई। चंद्रघंटा माँ ने राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माता के सिंह ने भी दौड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिसे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस पर शंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर ध्यान हो गईं। नवरात्रि की आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल भक्ति स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ।